हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों के बाद मैं अपने चैनल पे वीडियो डाल नहीं पाया था, तो इसलिए आपके लिए एक जलजला लेके आया हूँ मैं। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी तरीके से मॉडिफिकेशन जो कि हमारे तरफ से आपको दिखाया जा रहा है। सो गाइज, ये एक गैरेज वाले ने मॉडिफाई किया है, और ये कौन सा गाड़ी है आप गेस करेंगे पहले, फिर हम आपको बताते हैं। सो गाइज, ये आप देख सकते हैं, लुक काफ़ी अच्छे से मॉडिफिकेशन किया जा रहा है यहाँ पर। और गाइज, उसी मॉडिफिकेशन के द्वारा जो बनाया गया है वो आप देख सकते हैं, आपके सामने खड़ी है। और गाइज, ये एक कैफे रेसर लुक है, आप जानते ही होंगे, जो लोग कैफे रेसर मॉडल को पहचानते हैं वो लोग को पता लग गया होगा कि ये कैफे रेसर मॉडल है। सो आप देख सकते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ कौन सी गाड़ी है। ये है हीरो का CBZ मॉडल, आप देख सकते हैं। इंजन देख के काफ़ी लोगों को पता चल गया होगा, ये एचीवर में भी आता है ये इंजन, और आप देख सकते हैं ये CBZ का इंजन है। सो गाइज, ये पूरा CBZ मॉडल था, 3 दिन पहले मैंने देखा था बाइक को, पूरा CBZ था, कुछ भी मतलब के मॉडिफिकेशन नहीं हुआ था इसमें। और अभी जो 3 दिन के बाद मैं आया हूँ गैरेज पे, और मेरा बाइक को कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो उसी के लिए मैं आया हूँ, और मैंने देखा कि ये बाइक खड़ी है, सो आप लोगों को दिखाना बनता था। सो गाइज, देख सकते हैं आप के क्या क्या है इसमें, मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बता देता हूँ। सो गाइज, इसमें आपको DRL के साथ LED जो है हेडलाइट मिलती है, प्रोजेक्टर लाइट, आपको LED इंडिकेटर मिलता है, जो कि काफ़ी एक स्मॉल टाइप का लुक आपको मिलता है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कवर के साथ। गाइज, आपको यहाँ पे हैंडल ग्रिप्स मिलती है अच्छी वाली, और आप देख सकते हैं जो एंड बार मिरर्स होती है डाउन कैफे रेसर मॉडल का, वो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा लुक जो मिल जाता है। ये गाइज मॉक्सी का हैंडल है, आप देख सकते हैं मेरा वाला हैंडल जो लगा हुआ है उसी का ये ब्लैक वाला वेरिएंट है। आप यहाँ पर डिजिटल मीटर को देख सकते हैं, ये ऑल इन ऑन है, इसमें RPM भी दिखाएगा आपको, स्पीडोमीटर भी दिखाएगा आप कितनों किलोमीटर चला है, और फ्यूल भी दिखाता है यहाँ पे। ओडोमीटर आप देख सकते हैं यहाँ पे ओडो लिखा हुआ है। सो गाइज़, अभी मैं मीटर को ऑफ करके दिखा देता हूँ आपको। सो गाइज़, मीटर ऑफ हो चुका है, और अभी ऑन करते हैं इसको, आप देख सकते हैं पूरा जाता है ये RPM। और गाइज, काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं CBZ का ऐसा टैंक नहीं आता, एक पूरा मोटा वाला टैंक आता है, सो उसको काट के ये RX 100 का जो एक टैंक आता है उसी का एक मॉडल आप देख सकते हैं यहाँ पे। गाइज, सीट को यहाँ पे नया बनाया गया है, यहाँ पे चेसिस को जो है पूरा काटा गया है यहाँ पे कैफे रेसर लुक देने के लिए, आप देख सकते हैं पूरा रेड कलर का एक वेरियंट जो है वो बनाया है इसने। और गाइज, साइड पैनल को आप देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ किया नहीं है यहाँ पे, स्टिकरिंग का काम अभी तक नहीं हुआ है, आज ही रेडी हुई है बाइक और अभी काम होने वाला है। सो गाइज, मैंने सोचा कि एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं। और आप देख सकते हैं लेग गार्ड जो है सिंगल साइड लेग गार्ड यहाँ पर लगाया हुआ है, और एक हॉर्न आप देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है, तो एक बड़ा वाला हॉर्न है, हॉर्न का आवाज़ भी आपको सुनाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हाइड्रोलिक है पीछे का, सो इसको भी रेड कलर में दिया गया है। यहाँ पे आपको एक एक्रोपविक का कॉपी एग्जॉस्ट मिलता है, डुअल एग्जॉस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो गाइज, आवाज़ भी काफ़ी अच्छी है, मैं आवाज़ भी आपको सुना देता हूँ एक बार। और गाइज, सबसे बढ़िया जो चीज़ है वो है इसका मोटा वाला टायर जो आप देख सकते हैं। सो गाइज, ये CBZ में नहीं आता, ये बुलेट का टायर है, ये रॉयल एनफील्ड का टायर है, और गाड़ियाँ काफ़ी आ रही है रोड पर, इसलिए आवाज़ जो है वो काफ़ी परेशान नहीं कर सकते आपको। गाइज, एक और चीज़ है जो आपको दिखाना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक LED स्ट्रिप दी हुई है, ये रेड कलर की है, आप जब ब्रेक दबाएंगे तो ये पीछे से जलेगा, क्योंकि यहाँ पे कैफे रेसर का लुक में जो होता है कि पूरा पीछे वाला पार्ट जो है वो खाली रखना पड़ता है। और गाइज, ये मडगार्ड को मैंने बोला कि कीचड़ वगैरह उठेगा, सो इसीलिए ये बड़ा वाला मडगार्ड एक दे दे FZ का। सो गाइज, आप देख सकते हैं ये अभी थोड़ा थोड़ा करके जो काम अभी बाकी है, सो ये लुक अभी पूरा तैयार नहीं हुआ है, काफ़ी हद तक बनाने की कोशिश अभी चल रही है। और गाइज, आप देख सकते हैं चेन स्पॉकेट को इसने नया डाल दिया है, और ये जो एग्जॉस्ट है गाइज काफ़ी अच्छा बढ़िया वाला आवाज़ दे रहा है यहाँ पे। गाइज, ये मॉडिफिकेशन का खर्चा भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप अपनी बाइक अगर मॉडिफिकेशन करते हैं तो कितना खर्चा आता है, और दिखने में आप देख सकते हैं किलर लुक से एकदम। और गाइज, 20,000 रुपये में ऐसा मॉडिफिकेशन आज तक किसी ने नहीं दिखाया होगा यूट्यूब के चैनल पर। तो गाइज, काफ़ी कम खर्चे में 20,000 रुपये में आपको ऐसा लुक मिल जाता है, आप कोई भी बाइक हो उसको आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, चाहे वो कैफे रेसर मॉडल हो या फिर कोई और मॉडल हो। आप देख सकते हैं बाइक का कितना अच्छा बढ़िया सा लुक मिलता है, अगर कहीं पे भी बाइक को खड़ी करते हैं आप लोग तो कोई भी बंदा नहीं होगा ऐसा कि बाइक को ना देखे। और गाइज, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि कराना भी चाहिए, मैं हर बार बोलते आता हूँ आपको, और इतने दिनों से मैं गाइज यही चीज़ आपको समझाना चाहता था कि मॉडिफिकेशन ख़राब नहीं है, मॉडिफिकेशन अच्छा ही है, लुक काफ़ी अच्छा मिलता है, कहाँ CBZ और कहाँ आप देख सकते हैं ये कैफे रेसर लुक। सो गाइज, डेमो ने यहाँ पे टैंक पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सो गाइज, काफ़ी बढ़िया वाला लुक मिलता है, आप एक बार पूरा साइड से देख लीजिए, काफ़ी बढ़िया लुक मिलता है गाइज। और आवाज़ का तो क्या ही बताऊँ मैं, जब मैंने अपना साइलेंसर चेंज किया था, एग्जॉस्ट चेंज किया था, तो मैं कोबरा वाला साइलेंसर लगाया था, और उसका जो इफेक्ट आया मेरे इंजन पे वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे इंजन पे सुपर स्प्लेंडर में क्या होता है
कि कोई ऑयल कूल या फिर लिक्विड कूलिंग का सिस्टम नहीं है, एयर कूल है, सो इसीलिए ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए मैं खोल के उसको बेच दिया था। सो गाइस आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बार आवाज़ सुना देता हूँ, सो चलिए आवाज़ सुनते हैं पहले बाइक का, फिर बात करते हैं। सो गाइस मीटर चालू है, सेल्फ स्टार्ट आप देख सकते हैं। आवाज़ का बेस देखिए गाइस, बहुत ही अच्छा बढ़िया वाला बेस आपको मिलता है यहाँ पे। सो गाइस काफ़ी बढ़िया वाला बेस जो आपको मिलता है यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा जो एक लुक आता है एग्जॉस्ट का आप देख सकते हैं, कलर भी काफ़ी अच्छा है एग्जॉस्ट का लुक का। और गाइस ये पूरा मैट ब्लैक फिनिशिंग करा हुआ है, थोड़ा थोड़ा काम अभी बाकी है, पूरा होगा तब तो मैं नहीं आ पाऊँगा। सो गाइस अभी मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो गाइस बताना कमेंट में कैसा लगा, 20,000 रुपये में ऐसा मॉडिफिकेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको एक बार हेडलाइट जला के दिखा देता हूँ कि कैसा लुक आता है हेडलाइट का। सो गाइज DRL को जला दिया मैंने, आप देख सकते हैं DRL जलने पर कैसा लगता है, एक बार इंडिकेटर को भी जला देते हैं। सो आप देख सकते हैं गाइज फ्लैशर लगाया होगा इसने, पर मुझे पता नहीं है कि फ्लैशर कहाँ से ऑन करते हैं। सो गाइज DRL का लुक आप देख सकते हैं, हेडलाइट को एक बार देखते हैं जलता है कि नहीं। सो गाइज अभी मुझको उतना ज़्यादा पता नहीं है। सो ये देखिए गाइज, ये जो है चारों लाइट यहाँ पर जल चुकी है और काफ़ी बढ़िया लुक आएगा रात को। तो गाइज़ वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हुए यहीं पे आपको दिखा देते पूरा कुछ चीज़ें ओवर एक लुक। और अब बताइए कमेंट सेक्शन में कि 20,000 रुपये में ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन अगर आप कराना चाहते हैं तो अपने गैरेज वाले भैया से जहाँ से भी हो आप उसको कांटेक्ट कीजिए, दिखाइए पूरा मॉडिफिकेशन दिखाइए कि ऐसा वाला लुक 20,000 में आएगा। ये RX 100 का टैंक है, साइड पैनल वगैरह को काट के, पीछे का चैसिस काट के, पूरा मडगार्ड हटा के आप देख सकते हैं, सीट को काट के एक नया वाला लुक देने की कोशिश है। सो गाइज़ 20,000 रुपये में इससे अच्छा आपको मेरे ख्याल से तो नहीं मिल सकता। पीछे का मडगार्ड का अगर आपने कुछ जुगाड़ कर लिया तो फिर कीचड़ वगैरह नहीं उठेगा और इससे आपको प्रॉब्लम भी उतनी दिक्कत भी नहीं आएगी। सो गाइज आवाज़ भी अपना सुन लिया, और अभी चलते एक छोटे से राइड में। मैं अपना हेलमेट नहीं लाया हूँ, फिर भी आपको एक बार आवाज़ सुना देता हूँ मैं चलाते चलाते। सो गाइज बाइक को अभी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बाइक चल चुकी है, आप देख सकते हैं आवाज। और भाई लुक के बारे में क्या ही बताऊं, और बढ़िया वाला लुक आ रहा है, आवाज भी काफी अच्छी है। पिकअप का तो मैं क्या ही बताऊं आपको, बढ़िया पिकअप पकड़ रही है ये। और गाइज इतना अच्छा पिकअप मिलेगा मैं सोच भी नहीं सकता था कि हीरो के इंजन में ऐसा भी पिकअप मिल सकता है आपको। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं रोड पूरा खाली है, मैं एक बार खींचता हूँ। सो गाइज लुक जो है हमको मिल जाता है, आवाज़ भी काफ़ी अच्छी है, पिकअप भी बहुत ही बढ़िया है इसका, किसी भी बाइक को आराम से पकड़ सकती है, और आप हैंडल छोड़ के भी देख सकते हैं एकदम बढ़िया चल रही है। तो गाइस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, और एक बार रुक के मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। अगर आपको पसंद आया होगा तो फिर आप इसको करा सकते हैं 20,000 रुपये में। तो गाइज़ ओवरऑल लुक भी आप देख सकते हैं, बाइक का पिकअप काफ़ी अच्छा है गाइज, ये किसी भी बाइक को हरा सकती है। एक टॉर्क जो मिलता है वो मैंने सोचा नहीं था कि हीरो के इंजन में भी इतना ज़्यादा टॉर्क होगा, ये किसी भी बाइक को आराम से सिटी में पकड़ सकती है। और मैं अभी स्पीड पे आया था थोड़ा बहुत, और एक हाथ पे मेरा मोबाइल था, और मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतना ज़्यादा पिकअप पकड़ेगी ये। टॉर्क बहुत ही अच्छा है बाइक का, टॉप स्पीड भी काफ़ी अच्छा ही होगा। सो गाइज़ जो पतला किया गया है बाइक को काट कूट के, सो उसी के वजह से जो ये टॉर्क हमको मिल पाता है यहाँ पे, और स्पीड भी काफ़ी बढ़ चुकी है। सो गाइज़ आप देख लेना कमेंट सेक्शन में, बताइए आप देख सकते हैं बैकलाइट काफ़ी अच्छी जल रही है, इंडिकेटर यहाँ पे एक आप देख सकते हैं इंडिकेटर जल रहा है। अगर मैं इसको इस साइड का कर देता हूँ इंडिकेटर का तो ये। सो गाइज़ मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, नए वाले वीडियो के साथ आते हैं आपके पास वापस, और आप कमेंट सेक्शन में बताइए हमको कि कैसा लगा आपको बाइक 20,000 रुपये में ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन। अगर आप कम में भी कराना चाहते हैं तो फिर 10-15 हज़ार में भी आपका मॉडिफिकेशन हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि 20,000 ही लगेगा। 1,00,000 रुपये देकर भी कोई मॉडिफिकेशन करता है, जैसे कि मैं भी खर्च कर चुका हूँ बहुत, पर मैंने जो है कुछ चेंज नहीं किया चैसिस वगैरह। सो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, आप कमेंट्स करिए कि कैसी लगी आपको बाइक कैफे रेसर मॉडल।
सो गाइज मिलते हैं एक नए वाले वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।